प्रमेय 9, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बच्चों चलिए अब हम प्रमेय 9 पे बात करते हैं। प्रमेय 9 पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करता है, जिसे आप बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने कई बार पढ़ा भी है और आपने इसका इस्तेमाल भी कई बार किया है। तो यहाँ पर इसको हम समरूपता के नियमों का उपयोग करते हुए सिद्ध करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा प्रमेय है वो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये आप देख रहे हैं, त्रिभुज ABC ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। और ऐसी स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि इस समकोण त्रिभुज ABC में जो विकर्ण है समकोण के सामने की भुजा AC, तो AC का वर्ग शेष दो भुजाएं माने AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे गणितीय रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। चलिए, हमको थोड़ी रचना करनी पड़ेगी जो हमने पहले से कर ली है यहाँ पर। और यहाँ हम शेष B से विकर्ण AC पर एक लंब खींच रहे हैं, जिसे हम BD के नाम से पहचान रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, BD AC पर लंब है जो हमने रचना के द्वारा प्राप्त किया है। अब उत्पत्ति देखिए, इसके पहले वाले प्रमेय में जिस तरह से आपने किया था दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने का, हम उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हम त्रिभुज ADB के बारे में बात करेंगे, त्रिभुज ADB और बड़ा त्रिभुज जो मूल त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि कोण A आपस में बराबर हैं। तो कोण A बराबर कोण A इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। आप इसे लिखें इस तरह से, उभयनिष्ठ कोण। और ADB समकोण है, और इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज में ABC समकोण है। तो इसे भी आप लिखें कि कोण ADB बराबर कोण ABC, ये दोनों समकोण हैं इसलिए आपस में बराबर हैं। और जैसा कि आपने पहले किया था, ठीक उसी तरह से यदि दो त्रिभुजों में दो कोण, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के अलग अलग दो कोणों के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आप समरूपता की शर्तों के बारे में जानते हैं त्रिभुज के संदर्भ में। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ADB जो छोटा त्रिभुज है वो त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज बड़े त्रिभुज ABC के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो अब समरूपता की स्थिति में आपको ये पता है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो यदि आप छोटे वाले त्रिभुज में ADC में AD भुजा को लें, AD भुजा को गौर से देखिए आप, इस छोटे त्रिभुज में AD भुजा वो भुजा है जो एक दूसरी भुजा के साथ समकोण बनाती है। और इनमें भी आप देखिए कि AD इस दूसरी वाली भुजा DB से छोटी है, माने समकोण बनाने वाली भुजाओं में जो छोटी भुजा है वो AD है। तो इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिए कि ठीक ऐसी भुजा कौन सी है, तो आप पाएंगे कि AB और BC दो ऐसी भुजाएं हैं जो समकोण बनाती हैं B पर, और उनमें छोटी वाली भुजा AB है। तो आप कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज की भुजा AD की संगत भुजा दूसरे वाले त्रिभुज में AB है। तो आप जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि AD बटे AB बराबर पहले वाले त्रिभुज की भुजा AB को लें जो पहले छोटे त्रिभुज के लिए विकर्ण है। तो इसको आप बराबर लिख सकते हैं, AB जो विकर्ण है छोटे त्रिभुज का बटे बड़े वाले त्रिभुज का विकर्ण जो AC के नाम से आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो आपको जो संबंध मिला भुजाओं दो भुजाओं के जोड़ों के संबंध में, तो AD बटे AB बराबर AB बटे AC दूसरे पहले त्रिभुज का विकर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का विकर्ण, ये आपको एक संबंध मिला। और यदि आप इसको पक्षांतर करके देखें तो आपको मिलेगा कि AB का इस AB से गुणा करेंगे और AC का AD से गुणा करेंगे, तो आपको एक संबंध यहाँ मिल जाएगा जो AB वर्ग
बराबर ए सी गुणित ए डी होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणित ए सी, ये एक संबंध मिला। इसको आप अलग से लिख लें और नाम दे दें संबंध एक। अब आइए हम दूसरे त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, दूसरे जोड़े के बारे में बात करते हैं। दूसरा जोड़ा है बी डी सी और ए बी सी। तो हम जैसा पहले किए थे ठीक उसी तरह से यहाँ पर आगे देखें। अब की बार हम बात करेंगे त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और जो मूल त्रिभुज है पहले का बड़ा वाला जैसे आप ए बी सी के नाम से पुकार रहे हैं उस त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समकोण हैं और आप देख रहे हैं कि कोण सी दोनों में उपस्थित है, दोनों जगह उभयनिष्ठ है। फिर से देख लीजिए आप त्रिभुज बी डी सी, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण सी उपस्थित है और बड़े त्रिभुज ए बी सी में भी कोण सी उपस्थित है। तो जैसा आपने यहाँ पर कोण ए के बारे में कहा था ठीक वैसा ही यहाँ पर आप कोण सी के बारे में कह सकते हैं। दोनों त्रिभुजों में कोण सी उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। तो आप इसको लिखिए उभयनिष्ठ है और एक कोण आपको और ढूंढना पड़ेगा जो दोनों में बराबर हैं। तो आपको मालूम है कि बी डी सी समकोण है और दूसरे वाले त्रिभुज में ए बी सी समकोण है, तो आप इसे ही बराबर करिए। तो आप लिखिए यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज में कोण बी डी सी, इस त्रिभुज में कोण बी डी सी समकोण है, बी डी सी बराबर दूसरे बड़े त्रिभुज का कोण ए बी सी जो यहाँ पर समकोण है बराबर कोण ए बी सी, बी डी सी बराबर ए बी सी की क्योंकि ये समकोण है, इसे भी आप लिख लें दोनों कोण समकोण है इसलिए बराबर है। तो आप देखिए पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो अलग अलग कोणों के बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं, ये कथन आप लिख सकते हैं। तो फिर से आपको लिखे फिर से इसको लिखिए आप त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के और इस कारण यहाँ पर भी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो इसे देखिए कैसे लिखते हैं हम, जैसा आपने पिछली बार किया था ठीक वैसा ही करें हम। पहले आपने ए डी लिया था, अब की बार आप सी डी लीजिए। सी डी यानी इस त्रिभुज में समकोण बनाने वाली बड़ी भुजा, तो ये हुआ सी डी बटे इस त्रिभुज में समकोण बनाने वाली बड़ी भुजा कौन सी है, बी सी है। तो आप लिखिए सी डी बटे बी सी बराबर इस छोटे त्रिभुज का विकर्ण बी सी बटे बड़े वाले त्रिभुज का विकर्ण ए सी। तो आपको दूसरा संबंध मिलेगा बी सी जो इस त्रिभुज का विकर्ण है बटे ए सी जो इस बड़े त्रिभुज का विकर्ण है। तो आप लिखिए यहाँ पर बी सी बटे ए सी और जैसा आपने पहले किया था पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा बी सी और बी सी का गुणा होगा और ए सी और सी डी का गुणा होगा। तो ये संबंध आपको इस रूप में मिलेगा बी सी का वर्ग बराबर ए सी, ए सी गुणित सी डी, ये आपको मिला यहाँ पर। इसको आप कथन दो कह सकते हैं, ये कथन दो। अब कथन एक आपको मिला था ए बी वर्ग बराबर ए डी गुणित ए सी, ए बी वर्ग बराबर ए डी गुणित ए सी और यहाँ पर आपको मिला बी सी वर्ग, बी सी वर्ग बराबर ए सी गुणित सी डी, ए सी गुणित सी डी या सी डी गुणित ए सी आप कह सकते हैं। यदि हम इन दोनों कथनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए बाएं हाथ में यहाँ पर ए बी वर्ग है और यहाँ पर बी सी वर्ग है। तो कथन एक में कथन दो को हम जोड़ दें, कथन एक और कथन दो दोनों को हम शामिल करें जोड़ लें तो क्या मिलेगा हमको, बाया तरफ ए बी वर्ग और यहाँ से मिलेगा बी सी वर्ग। तो आप लिखिए इसको ए बी वर्ग धन बी सी का वर्ग, यहाँ से ए बी वर्ग मिला और यहाँ से आपको बी सी वर्ग मिला। दाहिने पक्ष को जोड़ें तो यहाँ पर मिलेगा ए डी गुणित ए सी, ए डी गुणित ए सी धन, यहाँ से आपको मिलेगा ए सी गुणित सी डी। आप चाहें तो इसको बदल के लिख सकते हैं सी डी गुणित ए सी। आप देखिए ए सी ए सी दोनों जगह उभयनिष्ठ है तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर ए सी को यदि आप उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको अंदर मिलेगा ए डी प्लस सी डी। अब जरा देखिए ए डी और सी डी क्या है, ए डी और सी डी
आप देख रहे हैं कि हम ए डी और सी डी को मिलाएं, सी डी जिसे आप डी सी भी कह सकते हैं, तो आपको एक पूरी पूरी रेखा ए सी मिलती है, त्रिभुज की एक पूरी भुजा मिलती है ए सी। तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी गुणित ए सी, या आप लिख लें इसको ए सी वर्ग। तो ये परिणाम आपको मिला ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग। इसको आप यहाँ लिख लें, इसको पहले हम लिख लें, तो हमको ये मिलेगा ए सी का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, और यही आपको सिद्ध करना था, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो आपने देखा कि हम पाइथागोरस प्रमेय को या बोधायन प्रमेय को त्रिभुज के समरूपता के आधार पर कैसे सिद्ध करते हैं। तो आप एक बार खुद से इसकी कोशिश करिए और देखिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से और आसानी से कर पाएंगे।